मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह को गरीबों का मसीहा कहा जाता था और जो भी जरूरतमंद हॉली लॉज फरियाद लेकर पहुंचते थे वो कभी खाली हाथ नहीं जाते थे। अब उनकी राह पर उनके सुपुत्र विक्रमादित्य सिंह भी चल पड़े हैं। उनके विधानसभा क्षेत्र से अक्षम 11 साल की सोनाक्षी, जो कि चलने फिरने में पूरी तरह से अक्षम है और स्कूल जाती है, परिजन जब बच्ची को लेकर विक्रमादित्य सिंह के पास पहुंचे तो विक्रमादित्य सिंह ने इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर देने की बात कही और सोमवार को विधानसभा में इस 11 साल की बच्ची को इलेक्ट्रिक चेयर सौंप दी है। ये इलेक्ट्रिक चेयर 75,000 की है और विक्रमादित्य ने अपनी ओर से इसे भेंट किया है। इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर पर बैठकर सोनाक्षी काफी खुश नजर आई है। सोनाक्षी चनोग में ही 6ठी कक्षा में पढ़ती है, लेकिन स्कूल ले जाने और लाने में काफी मुश्किल आ रही थी। वहीं अब इस इलेक्ट्रिक चेयर पर बैठकर सोनाक्षी स्कूल जाएगी। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि राजनीति के साथ साथ समाज सेवा और दलगत राजनीति से उठकर काम करना चाहिए। राजनीति के साथ साथ समाज सेवा और दलगत जो है राजनीति से ऊपर उठकर कार्य करते रहने चाहिए। मेरे निर्वाचन क्षेत्र की एक बेचारी छोटी गुड़िया है, ग्राम पंचायत चनोग की, विकलांग है। उनके सहयोग के लिए हमने अपनी ओर से जो है ये इलेक्ट्रॉनिक चेयर दी है और मैं अपने सभी साथियों से भी निवेदन करना चाहूँगा कि समय समय पर सोशल एक्टिविटीज़ करते रहें और इस तरीके के जो लोग हैं, मुख्यमंत्री जी ने भी बहुत अच्छी पहल रही है, जो सुखाश्रय उन्होंने योजना शुरू करी है, 100 करोड़ का उसमें बजट रखा है, खास करके जो दिव्यांग बच्चे बच्चियां हैं और ऑफनेज में जो हमारे अनाथ हैं उनके मदद के लिए जो मुख्यमंत्री जी आगे आए हैं, हम भी उनसे सीख रहे हैं तो हम भी उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ना भी चाहिए, क्योंकि सब कुछ राजनीति से संबंधित नहीं होता है। कुछ चीज़ें हमको समाज में और ख़ास करके जो ऐसे लोग जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं, इनके पास सब कुछ होने के बावजूद भी बिकॉज ऑफ देयर डिसेबिलिटीज़ वो जो है समाज में कम्पीट नहीं कर पाते, उनको सहयोग करना हमारा दायित्व बनता है और इसको समय समय पर करते रहना चाहिए। आज यही यहाँ पे हमने छोटा सा एक रखा था। उनके विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत चलोक की एक बच्ची जो शारीरिक रूप से अक्षम है, चल फिर नहीं सकती है और स्कूल जाती है, तो इस बच्ची को इलेक्ट्रिक चेयर भेंट की गई है। उन्होंने अन्य लोगों से भी जरूरतमंदों की मदद करने के लिए आगे आने की अपील की है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने सुखाश्रय योजना शुरू की है, जिसमें दिव्यांग अनाथ बच्चों की मदद के लिए बजट का प्रावधान भी किया गया है और उनसे ही सीख कर आगे बढ़ रहे हैं। समाज में ऐसे जरूरतमंद लोगों की सबको मदद करने के लिए आगे आना चाहिए। शिमला से नीरज डोगरा की रिपोर्ट।